योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य जी के घर गए या प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए, लेकिन जो कहते थे ना कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो हम आपके माध्यम से बताने चाहते हैं मोदी जी, हम बिकने भी नहीं देंगे, डोर टू डोर जाएंगे। कहते हैं ना, उजले कपड़े मैला है मन, तुस्सा नाटक कर पाए ना कोई अभिनेता जी। तो जरा पब्लिक के सुन लो, नेता जी योगी जी हैं या मोदी जी हैं, इस बार पब्लिक छोड़ने वाली नहीं है। सबको पता है आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या घोटाला, मंदिर और ट्रस्ट के पैसे ही खा गए। आप 20 लाख की जमीन को आप 2 करोड़ में बेच रहे हैं। के नाम पे चुनाव लड़ने की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है, धर्म के नेता भी कर रहे हैं उनके नेता बिल्कुल कोई विकास हुआ ही नहीं है। कौन सा बीजेपी का नेता आकर के सड़क पे काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए मुझे। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं बनाने की। गंगा में लाशें तैरी हैं सिंह साहब, आपने देखा होगा गंगा में लाशें तैरी हैं, तब ये लोग कहाँ थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। फिर से सियासत गरमाती हुई नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश को। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जितनी करीबी से देख रहे हैं, जितनी बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं, हर पहलू जो है बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी की खबर हम आपको बता दें कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जाते हैं, और उसके बाद से जो है सियासत फिर से गरमाती हुई शुरू हो रही है कि क्या जो है जो मतभेद लगाए जा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, अब वो मतभेद दूर होता नजर आ रहा है। तमाम मुद्दों से जो है रिलेटेड बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं राजेश राय जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और साथ ही साथ में राइटर भी हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखते हैं, फिल्मों को भी लिखते हैं। इनके हाल ही में एक फिल्म आई थी जीने की उम्मीद तुमसे ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, हिट किया है। तो इस कोरोना की एक पहली मोटिवेशनल ऐसी फिल्म आई है जिसे लोग बाग देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा सीख भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सोनू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं, आपने जो सवाल पूछा, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना की तरफ से कांग्रेस की के एक प्रवक्ता होने के नाते, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना और पंडित श्री जगदीश शर्मा जी ने जो इस कोविड काल में जो इतना अच्छा काम किया है, दरवाजे दरवाजे पर गए हैं, हम लोग उनके साथ गए हैं और इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं। और उनका ये बोलना है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसको कि किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। और अभी आपने पूछा, बहुत अच्छा एक बताया, मैं सुन रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी पहली बार केशव मौर्य के घर गए हैं। तो देखिए, भारतीय ये पब्लिक है, मैं शायरी के लिए जाना जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे बहुत बड़े राजनेता राजेश खन्ना साहब थे, तो उन्हीं की फिल्म का है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। तो अभी पब्लिक को पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को आज तकरीबन आप समझिए 4.5 साल के बाद ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना पड़ा। ये राजनीति है, और अभी पब्लिक को ना ये सब कुछ समझ आ रहा है कि ये छलावे की राजनीति है, और ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। गंगा में लाशें तैरी हैं सिंह साहब, आपने देखा होगा गंगा में लाशें तैरी हैं, तब ये लोग कहाँ थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या लगता है आपको कि जो उठा चौकड़ी उधम जो देखने को मिला उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है केशव प्रसाद मौर्य घर जाते हैं, तो उसी के बाद से जो है अब थोड़ी हलचल कम होनी शुरू हो जाती है। देखिए, ये तो एजेंडा है। इन लोगों ने 4.5 साल में कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ यही काम किया है कि योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य जी के घर गए या प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए, वहाँ पर आकर के फिर मोदी जी को बोलते हैं कि बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन अभी क्या 25 से 27 साल हो गए, देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है सोनू जी कि अब कोई क्रांति अगर ला सकता है देश में तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना, श्री जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी हैं उनके साथ ही हम लोग सरकार बना करके और ये साबित कर देंगे कि यूपी का विकास सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। अगर होने लग जाए सर, अगर राजेश राय जी, अगर ये कहने से अगर सत्ता वापिस आने लग जाए
तो सपा पार्टी भी दावा कर रही है, उधर बसपा पार्टी भी दावा कर रही है, उधर कई सारे तमाम जो है छोटे दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी तमाम तरीके से दावा कर रहे हैं। अगर कहने से सब कुछ हो जाता तो फिर बात ही क्या। सोनू जी, फिर बोलूँगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है, इन्होंने सब कुछ देख लिया है। अब पब्लिक को ये बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है कि देश की राजनीति को सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है, बाकी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो गई या कोई भी दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, ये सब पार्टियां आती हैं और अपना मतलब साधती हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं और चली जाती हैं। आप देखिए ना, इस कोरोना काल में कौन सा नया हॉस्पिटल बनवा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हुआ है और जितना भी कुछ काम हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के टाइम में बनाए हुए चीजों से हुआ है। प्रियंका गांधी जी हमेशा ये बोलती हैं, हमारे पंडित जगदीश शर्मा जी रोज 24 घंटे काम करते हैं, रोज ये आवाज उठाते हैं। आप ये देखते होंगे कि उद्योग धंधे सारे खत्म कर दिए। किसने बनाए थे 70 साल में? कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। जिस कांग्रेस पार्टी ने सारे उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बनाया था, एक एक करके मोदी सरकार उनको बेच रही है, सारी चीजों को बेच रही है, सारे उद्योग धंधे बेच दिए, कुछ बचे हुए वो भी बेच डालेंगे, सारे LIC बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, अब क्या है हमारे पास, को गवा दिया है। देखिए सोनू जी, मैं मुद्दा क्या है, देखिए चुनाव का मुद्दा विकास है, विकास है। आप धर्म की राजनीति से खेल नहीं सकते। आप धर्म की राजनीति में आपने क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या घोटाला? मंदिर और ट्रस्ट के पैसे ही खा गए। आप 20 लाख की जमीन को आप 2 करोड़ में बेच रहे हैं, क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बताता है कि नहीं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है। सर देखिए, हमारा मेन मुद्दा है गरीबों को बचाओ। कांग्रेस पार्टी ने के टाइम में, आपको याद होगा, 2014 से पहले कभी कोई गरीबी नहीं थी, GDP हमेशा ऊपर जाती थी, और कभी भी ये जब से आपने नोटबंदी की है, GST लेकर के आए हैं, सारे उद्योग धंधों को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश की हालत दयनीय हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप करिए ना, आप केस करिए जा करके अखबारों पे, आप दैनिक भास्कर पे केस कर सकते हैं क्या? है दम में आप में? CBI बिठा दीजिए उनके पास में, कुछ नहीं कर सकते आप। आप सिर्फ CBI बिठा सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन अब ये पब्लिक है, सब जानती है बाबू, और आप जान के विकास के नाम पे, सर ब्रजेश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ने, विकास के नाम पे चुनाव लड़ने की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है। धर्म के नेता भी कर रहे हैं, उनके बिल्कुल कोई विकास हुआ ही नहीं है, कोई विकास हुआ ही नहीं। आप क्या विकास की बात कर रहे हैं? सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, रॉ मटेरियल के रेट डबल हो चुके हैं, फैक्ट्रियों पे ताला लग चुका है। MSME के अंदर आपने क्या किया? आपने 20 लाख करोड़ का जो बोला, उसमें 15 लाख करोड़ तो आपके पुराने लोन थे, और वो 5 लाख करोड़ का पता ही नहीं किधर गया, आपके अपने लोगों के पास गया या किसके पास गया। आप जानते हैं कि उनके नेता आज भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा काफी है, उनके एकमात्र चेहरे के झलक से जो पूरे चुनाव को जीत ले। सर चेहरा तो सिर्फ नारायण का काफी है। सर हम तो ईश्वर को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी सारे धर्मों को मानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इंसानियत धर्म का चेहरा सबसे ऊंचा है। और इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार ने जो शहादत दी है, पंडित नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी, आज अपने किस बेबाक तरीके से बातों को रखते हैं। पंडित जगदीश शर्मा, मैंने उनको देखा, 24 घंटे काम करते हैं वो, हम लोगों को लेकर के रात को 12-1 बजे तक रोडों पर हमने लोगों को के लिए खाना बांटा है 2.5 महीने के अंतराल में। कौन सा BJP का नेता आकर के सड़क पे काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए मुझे? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चेहरा तो एक ऐसी चीज होती है जिस पे आप बहुत ज्यादा जुमला नहीं कर सकते। अब आप जुमला नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और मैं भी कांग्रेस पार्टी से, अपने पंडित जगदीश शर्मा जी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि आप गठबंधन को खत्म करें। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हम एक हैं, और हम इस बार पूरे 300 सीटों के साथ चुनाव जीत करके आएंगे। ये मर्यादा है सोनू जी, आज इस वक्त को याद रखना। ये आपको एक साल के बाद अगले साल मई में पता चल जाएगा कि CM कांग्रेस पार्टी का होगा, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जगदीश शर्मा उसको एग्रीज करेंगे। इधर दावा कर रहे हैं कि 300 सीट लेकर आएंगे, उधर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 300 सीटें लेकर के आएंगे, उधर जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई ऐसा नेता ही नहीं बना जो योगी से इतना काम कर सके, आप कैसे मुकाबले में? सर मैंने आज अपना मुद्दा रखा है कि ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है।
अभी पब्लिक है ना सब कुछ समझ चुकी है, अभी आप पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कहते हैं ना उजले कपड़े मैला है मन, तुस्सा नाटक कर पाए ना कोई अभिनेता जी। तो जरा पब्लिक के सुन लो नेता जी, योगी जी हैं या मोदी जी हैं, इस बार पब्लिक छोड़ने वाली नहीं है। सबको पता है आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कभी आप उनको मनाने जाते हैं कभी वो उनको मनाने जाते हैं, और देश की जनता त्रस्त पड़ी हुई है। सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ सोनू जी कि पिछले 7 सालों में देश की जनता ये अच्छे तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो उनके घरों में उनको इज्जत की रोटी दिला सकती है। कागजों में हुआ विकास, हर घोटाले हर गड़बड़ के तुम ही असली प्रणेता जी, जरा पब्लिक की सुन लो नेता जी। सिर्फ कागजों में विकास करती है भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक दोस्त बताता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती है बताती नहीं है, बिल्कुल नहीं बताती है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बताती है और काम नहीं करती है। तो मैं अपने नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि हमें भी बताना सीखना होगा कि हमने 70 साल में इतने हॉस्पिटल्स बनवाए, इतनी सारी चीज़ें बनवाई जिससे हमने लोगों की मदद की, और आगे अगर देश की जनता हमेशा हमारा साथ देती है तो हम हजारों लाखों हॉस्पिटल ऐसे ही बनवाएंगे और देश की जनता की मदद करते रहेंगे बिना बताए। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब हम बताएंगे भी चुनाएंगे, बताएंगे। यही बताया मैंने कि कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करने में विश्वास रखती है, पहले भी रखती थी लेकिन बताती बहुत कम थी। मनमोहन सिंह जी देश के ऐसे एक वित्त मंत्री थे जिन्होंने देश को इतना ऊपर इतना आगे पहुंचाया, आपने देखा होगा कभी भी 90s में भी जब भी क्राइसिस आई आज तक कभी भी उन्होंने देश को बिकने नहीं दिया। लेकिन जो कहते थे ना कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो हम आपके माध्यम से बताने चाहते हैं मोदी जी, हम बिकने भी नहीं देंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जनता को उनके सामने जाएंगे, हर एक पे लोगों को जगाएंगे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपको बचा सकती है और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकती है। यही मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम